चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। टाइगर श्रॉफ और दिशा पटनानी की बागी 2 ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक बार फिर से सनसनी मचा दिया है। जी हां, टाइगर श्रॉफ पहली फिल्म बागी 2 ने 100 करोड़ के क्लब में शामिल कर बॉलीवुड इंडस्ट्री में सनसनी मचा दिया है। आपको बता दें कि टाइगर ने सबीर खान द्वारा निर्देशित हीरोपंती से बॉलीवुड में कदम रखा था। उसके बाद टाइगर श्रॉफ 3 फिल्में नजर आई, लेकिन तीनों की तीनों फिल्मों ने 100 करोड़ के क्लब में एंट्री नहीं मार सकी। लेकिन हाल ही में रिलीज हुई बागी 2 ने हर किसी को उम्मीद नहीं थी कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई करेगी, लेकिन बागी 2 ने सभी ट्रेड एक्सपर्ट को जुटलाते हुए 100 करोड़ के क्लब में शामिल होकर एक नया इतिहास रच दिया है। इसकी जानकारी सोशल मीडिया एक्सपर्ट तरुण ने लिखा है कि बागी ने सेंचुरी मार ली है और यह 100 करोड़ के क्लब में शामिल होकर एक नया इतिहास रच दिया है। आपको बता दें कि 100 करोड़ के क्लब में शामिल होने वाली यह 2018 की तीसरी मूवी है। सबसे पहले पद्मावत और सोनू के टिट्टू की शूटिंग के बाद यह तीसरी फिल्म जो 100 करोड़ में शामिल हुई है। आपको बता दें कि शुक्रवार को बागी 2 ने 25 करोड़, शनिवार को 20 करोड़, रविवार को 28 करोड़ और सोमवार को 12 करोड़, तो वहीं मंगलवार को 10 करोड़, तो बुधवार को 10 करोड़ की कमाई कर यह टोटल 105 करोड़ का कारोबार कर चुकी है। अब देखना यह है कि बागी 2 का कलेक्शन कितना ज्यादा और इजाफा होता है। लेकिन आपको बता दें कि दिशा पटनानी और टाइगर श्रॉफ की तारीफ जमकर लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। खास करके टाइगर श्रॉफ का एक्शन अवतार तो दर्शकों को बेहद ज्यादा पसंद आ रहा है।